हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने काठगोदाम के कलसिया नाले से पिछले दिनों हुई भारी बरसात के बाद से नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री काठगोदाम इंटर कॉलेज में आपदा राहत कैंप में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके मीडिया से बात की। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार आपदा से संबंधित सारी तैयारियां कर रही है और 8 अगस्त को आई भीषण बरसात के बाद यहाँ कलसिया नाले ने भारी नुकसान किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरकार हर प्रकार से तैयार है और जो हमने आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सरकार को तैयारी करनी चाहिए, तैयारी पूरी है। यह जो यहाँ काठगोदाम के पास नाले पर जो आपदा आई है, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन बच गया। मैंने लोगों से कहा है बिल्कुल धैर्य रखिए, हर प्रकार से हम अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं, प्रदेश भर में यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, और केंद्र सरकार ने हर हालत में जितने धनराशि की ज़रूरत होती है वो बार बार धनराशि दी हुई है। हमारे जिलाधिकारियों को पहले ही एक अमाउंट दिया होता है कि वो फौरी सहायता कम से कम पहुँचा दें।